हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुधांशु एंड वेलकम टू क्लास 10। आज हम देखेंगे सिंड्रोम चेकिंग के बारे में। मतलब कि हम इसमें ये देखेंगे कि जो हमारे पास गेट्स वगैरह हैं या फिर सर्किट्स वगैरह हैं उसकी हम सिंड्रोम चेकिंग करेंगे। तो ये बुलियन फंक्शन की तरह है, जैसे कि हमने इस तरह डिफाइन कर रखा है इसको कि एस इज इक्वल्स टू, ये हमारा सिंड्रोम चेकिंग का फंक्शन है, एस इज इक्वल्स टू के अपॉन में रूट की पावर। ठीक है, ये के क्या है आपका मेन टर्म ऑफ द नंबर है, ठीक है, द नंबर ऑफ मेन टर्म्स ऑफ द गेट। ठीक है, और टू की पावर एन, एन क्या है आपका नंबर ऑफ इनपुट्स ऑफ द गेट। ठीक है, मतलब क्या है, जो के होगा आपका वो आपका मेन टर्म है, ठीक है, और जो एन है आपका वो क्या है आपका नंबर ऑफ इनपुट ऑफ द गेट। ठीक है, ये नंबर ऑफ द इनपुट ऑफ द गेट हो सकता है, ये मेन टर्म है आपका के। ठीक है, चलो इसको एक बार सॉल्व करके देखते हैं थ्रू द यूजिंग गेट्स। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला है एस इक्वल्स टू के बाई टू की पावर एन। ठीक है, अब जैसे कि मैंने और गेट लिया, अब यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने कितने इनपुट लिए हैं, ए एंड टी, और आउटपुट मैंने लिया है जेड। मैंने कितने इनपुट लिए अकॉर्डिंग टू, अगर मैं सिंड्रोम चेकिंग की बात करूँ तो ये एन क्या था हमारा नंबर ऑफ इनपुट्स, नंबर इनपुट्स कितने हैं दो। तो पहला इक्वेशन क्या बन गया, के बाई एन टू की पावर टू इज इक्वल्स टू क्या बन गया, के अपॉन में एट। अब हमें के की वैल्यू पहचाननी है, तो हम ये देखेंगे जितनी भी टाइम्स आपका आउटपुट वन आएगा, जितनी भी टाइम्स, जितनी बार आप इनपुट प्रोवाइड करोगे, अगर जितनी बार आपका आउटपुट वन आएगा वो नंबर ऑफ पेंटिंग यहाँ आएगा। कैसे, अगर हम ऑल गेट की बात करें टोटल जीरो 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 वन वन जीरो वन वन ए एंड बी एंड जेड, जीरो जीरो पे जीरो आता है वन वन वन, तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास नंबर वन कितने हैं तीन है, वन टू थ्री, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा थ्री। तो थ्री बाई एट क्या हो जाएगा आपका सिंड्रोम चेकिंग हो जाएगी इसकी और एट। ठीक है, अब सिंपली आप समझ रहे होंगे के की वैल्यू हमें क्या देखनी है कि जो भी गेट आपने यूज किया है उसके आउटपुट में कितने टाइम्स बना है। ठीक है, और टू की पावर एन हमें तब रखना है, एन क्या है आपका नंबर ऑफ इनपुट्स कितने, अगर इसी में मैं तीन इनपुट बना देता है ना, ये ए सी हो जाता ए बी सी, तो यहाँ पे कितने टू की पावर थ्री है ना, तो टू की पावर थ्री यहाँ पे आपका सॉरी ये आपका फोर होगा, ये आपका फोर होगा, थ्री बाय फोर, थ्री बाय फोर क्या है इसका आपका, इसका और गेट का टू गेट और गेट सॉरी टू इनपुट और गेट आपका सिंड्रोम चेकिंग, जब तीन इनपुट रहेगी तब जाके आपका टू की पावर थ्री जीरो हो जाएगा एट। ठीक है, तब यहाँ पे एट आ जाए। ठीक है, तो अभी इस टू इनपुट और गेट के केस में जो सिंड्रोम चेकिंग है आपकी वो थ्री बाई फोर है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। जैसे कि अगर मैं सेम एंड गेट की बात करूँ, जैसे मैंने ये एंड गेट लिया टू इनपुट एंड गेट, तो ए एंड बी, और यहाँ पे मैंने सी ले लिया। ठीक है, तो देखो ए बी जीरो 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 वन वन जीरो वन वन ए एंड बी एंड सी, तो देखो एंड गेट के केस में जो आउटपुट है हमारा जीरो के केस में जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, वन। तो इसके हम सिंड्रोम चेकिंग देखे तो एस इक्वल्स टू होता है के बाई टू की पावर एन, एन तो पता लग गया टू है, कितना होता है के बाई फोर, नंबर ऑफ आउटपुट वन कितने हैं वन, एक ही बार बनाया है ना, तो कितना हो जाएगा वन बाई फोर। तो ये आपका सिंड्रोम चेकिंग का ये आपका रिजल्ट है इस केस में और गेट एंड गेट। ठीक है, तो ऐसे करके हम सिंड्रोम चेकिंग करते हैं, कोई सा भी गेट हो आप उस गेट का सबसे पहले ट्रुथ टेबल ड्रॉ करो, ट्रुथ टेबल बनाने के बाद कितने नंबर ऑफ इनपुट्स है उसके यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, और कितनी बार उसमें आउटपुट वन आया है वो ऊपर की तरफ आता है। ठीक है, तो ऐसे करके हम सिंड्रोम चेकिंग करते हैं। ठीक है, अभी हम फर्दर एक एक टेबल है हमारे पास कि अगर सर्किट के अंदर पीछे की तरफ से कोई गेट्स लगे हुए हैं तो उसको हम कैसे फॉर्मूला के थ्रू हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज लिख रखे हैं, वो किस केस में, जब हमारा सर्किट बड़ा हो, ठीक है, और पीछे की तरफ से भी कई सारे गेट्स हो, तो उस गेट्स के केस में जो हमें नेक्स्ट गेट के जो आउटपुट चाहिए उसकी जो सिंड्रोम चेकिंग चाहिए वो हम इसके थ्रू करते हैं। कैसे, जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे और गेट के केस में लिखा है, अगर और गेट के केस में पीछे की तरफ दो गेट्स लगे हुए हैं और उन दोनों गेट्स को मैंने एक को ले लिया एस वन दूसरे को ले लिया एस टू, तो हम इस फॉर्मूले से उसके आउटपुट निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लो और गेट का केस, यानी और गेट
ये जो गेट है ये और गेट है, ठीक है, इसके जो पीछे के से जो आ रहे होंगे, ठीक है, इसके जो पीछे से आ रहे होंगे वो कंसिडर करो, आपका कोई एंड गेट भी हो सकता है, ठीक है, या फिर नैंड गेट भी हो सकता है, इसके भी दो इनपुट हो सकते हैं, इसके भी दो इनपुट। तो मैंने, अगर मैं इस केस की बात करूं तो क्या होगा, मैंने इसको S1 ले लिया, इसको S2, तो जो इसका आउटपुट होगा, जैसे मैंने Z आउटपुट ले लिया, तो ये Z आउटपुट किस पर डिपेंड करेगा, S1 प्लस S2 माइनस S1 S2, ये इस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूला से हमें ये पता लग जाता है कि जो भी हमारा गेट है, अगर उसके प्रीवियस भी गेट्स हैं, तो हम ये अप्लाई कर सकते हैं कि अगर हमारा एंड गेट है तो हम एस वन एस टू कर देंगे, ठीक है, अगर हमारा एक्सोर गेट है तो एक्स वन प्लस एक्स टू माइनस टू एस वन एस टू, ठीक है। ये गेट्स कौन से गेट्स है, ये गेट्स वाले गेट्स हैं जो आपके आउटपुट पे, जिसकी आउटपुट आपको चाहिए। मैं देखो यहाँ पे और गेट है, इसलिए हमने और गेट वाला फॉर्मूला यूज किया। अगर मेरा यहीं पे नॉर गेट होता है ना, तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करता, ठीक है। तो हम इस फॉर्मूला के थ्रू, अकॉर्डिंग टू गेट आपका कौन सा है उसके थ्रू हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते, ठीक है। हम ये फॉर्मूला यूज करके उस गेट्स की सिंड्रोम चेकिंग निकाल सकते।